विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने अपने गठबंधन के 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जेजेपी और एएसपी की पहली लिस्ट में 15 जेजेपी के और 4 आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। सोहना, पलवल, जगाधरी और सढौरा से आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उचाना से और दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया है। हरियाणा का जो चुनाव है वो अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, गठबंधन का दौर भी चल रहा है। रमेश जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात हो रही है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन और भी है। जेजेपी का गठबंधन आजाद पार्टी के साथ है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ है आजाद समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी का भी अपना एक गठबंधन है INLD के साथ हो रहा है। तो गठबंधन वहाँ पर हैं और भी, और बहुकोणीय ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव हो सकता है दिलचस्प चुनाव हो सकता है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से तैयारी करी है, क्योंकि उसे इंटर इनकम्बेंसी का भी खतरा है कि वो तीसरी बार चुनाव में कैसे, इसलिए उसने चेहरे बदले हैं, 25 नए चेहरे आए हैं। साथ ही साथ उसने हर वो तरीका अपनाया है जिससे कि जीत सुनिश्चित किया जा सके। आप देखिए कि मुख्यमंत्री का खुद सीट बदल दिया, मुख्यमंत्री चुनाव करनाल से लड़ना चाह रहे थे, उन्हें लाडवा कुरुक्षेत्र से लड़ाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री के भी इच्छा को नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कहाँ से कौन जीत सकता है इसकी पूरी तैयारी है, इसकी एक स्ट्रेटजी बनी है, इसके ऊपर एक रिसर्च टीम ने काम किया है। साथ ही साथ आप देखिए कि दूसरी पार्टियों से आए, खासकर JJP के जो 3 विधायक आए थे उनको टिकट दिया गया है। साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह हुए, इस तरह के जो बड़े नाम हैं, इन नेताओं के परिवार के बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ सिरसा से जो गोपाल कांडा हैं उनकी सीट पर अभी टिकट नहीं दिया गया है, उनके साथ पार्टी का गठबंधन है केंद्र में भी, और उसके लिए वहाँ पे गोपाल कांडा को भी वहाँ देखिए अपने पार्टी से लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी रिजिड नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर रही है, और वही बात राहुल गांधी भी अपने कांग्रेस में चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेंद्र हुड्डा ने जब कहा कि हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो राहुल गांधी ने मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि उनकी जिद नहीं चलेगी, पार्टी का आला कमान जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। और इसीलिए देखिए कि 4 सदस्यीय कमेटी बना दी जाती है कि जो आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशियों की संख्या है उसको लेकर बातचीत करेगी। शुरू में 5 सीटों की बात चल रही थी, अब 7 सीट पहुँच गए हैं, आम आदमी पार्टी 10 सीट की बात चल रही है। तो अगर 10 सीट भी हो तो राहुल गांधी 10 सीट भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। जो नाराज जो भारतीय जनता पार्टी के पहली लिस्ट जो 67 प्रत्याशियों की निकली है उससे नाराज जो प्रत्याशी हैं उनको भी आप देखिए कांग्रेस में मौका मिलने के चांसेस हैं। और इसीलिए अभी बैठक चली, आप बता दें कि दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन में लगातार बैठकों का दौर जारी है, और वहाँ पर चीज़ें तय हो रही हैं, आलाकमान बैठक कर रहा है, और उसके बाद मोहर लग रही है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में अगर लगता है कि ये प्रत्याशी जिताऊ नहीं है और गलती हुई है प्रत्याशी चयन में, तो प्रत्याशियों के नाम को बदला भी जाता है, तो कांग्रेस नहीं चाहती है, इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा इंतजार कर रही है। आने वाले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर देगी। अब एक चीज़ और देखिए, जाति के आधार पर भी चुनाव होता है, उस आधार को भी लोग देखते हुए अपने उम्मीदवारों के नामों पर विचार करते हैं और गठबंधन के बारे में भी सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट वोटर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ये देखने को भी मिला पिछले 10 साल के दौरान, और मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने तो पिछड़े मुख्यमंत्री बने, तो उसका आधार अभी उधर ही है। जाट वोट कितना इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण हो जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जेजेपी भी अलग हो गई है, हालांकि अलग ही पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार तो पूरी तरह से अलग है, अलग गठबंधन भी है उसका।
भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार रही कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल सरकार से पहले, उसमें जो विकास के कार्य हुए सिर्फ जाट जिस क्षेत्र में बाहुल हैं उन्हीं क्षेत्रों में विकास हुआ, जाटों को नौकरी मिली और यही कारण रहा कि कांग्रेस की सरकार वहां से चली गई। पर आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार कोशिश हो रही है कि आप अब जाट का है, इसी बात को लेकर कांग्रेस में भी नाराजगी है। शैलजा कुमारी कहती हैं कि आला कमान जिसको चाहेगा मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि सिर्फ जाट समुदाय को लेकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। इसलिए आप देखिए कि शैलजा कुमारी को भी तवज्जो मिल रही है और साथ ही साथ पार्टी चाहती है कि हर वर्ग के लोगों को मौका मिले, जिससे कि जो मोहर लगी है कांग्रेस पर, जिसके नाते कांग्रेस की हार भी हुई विधानसभा चुनाव में, कि वो सिर्फ जाट नेताओं की पार्टी है और जाटों को ही नौकरी मिली। उस दौर में आप भूपेंद्र हुड्डा की जब सरकार थी तो जितनी भी सरकारी नौकरियां आई उसमें सारी नौकरियां जाट समुदाय के लोगों को मिली, इसकी भी एक नाराजगी आम जनता में थी। पर 10 साल के समय में बहुत सारा पानी बह चुका है, हरियाणा में अब परिवर्तन की बात है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो ये जो विधानसभा चुनाव है वो जीत रही है, इसीलिए कांग्रेस का हर नेता टिकट पाने के लिए हर तरीका अपना रहा है। साथ ही साथ जो नाराज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पहली सूची से, वो लोग भी कांग्रेस का दामन थाम कर ये नैया पार करना चाहते हैं और विधायक बनकर हरियाणा विधानसभा में जाना चाहते हैं। पर देखना होगा कि कांग्रेस जब पहली सूची जारी करती है तो किन किन चीज़ों को प्राथमिकताएं देती है। तो अब नज़र भारतीय जनता पार्टी की, तो पहली सूची आ चुकी है 67 उम्मीदवारों की, दूसरी सूची बाकी उम्मीदवारों की आने वाली है और कांग्रेस की अभी तक सूची नहीं आई है। कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी से होता है या नहीं, और होता है तो फिर उसकी जो सूची आएगी तो सबकी नज़र अब उस पर टिकी हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस एनालिसिस के लिए रमेश सिंह आपका।